बवाल। क्या मतलब है तुम्हारा कि साले तो किसी के MMS वीडियो को YouTube पर कंटेंट बोलकर कैसे अपलोड कर सकते हैं? अरे मेरे भाई, किसी की लीक हुई MMS वीडियो नहीं है, बल्कि उर्फी जावेद की रिलीज वीडियो है, जो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करवाई है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद की। हाँ, उसी उर्फी जावेद की जिसने कि मुझे रियलाइज करवाया कि व्हाट इज द फर्क बिटवीन नॉर्मल एंड लेजेंड लुक्स। अच्छा, अब अगर तुम भी अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल मेरी तरह खाने पीने धोने अपने कान और नाक के छेदों को साफ करने जैसे टुच्ची चीजों के लिए करते हो, यू आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक मी। चल, क्योंकि लेजेंड लोग पता अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हमें उर्फी जी से सीखना पड़ेगा। देख रहे हो ना, भगवान ने हम लोगों को या सिर्फ मेहंदी लगाने और शरीर की खारिश मिटाने के लिए नहीं दे रखे, बल्कि हम अपने हाथों का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले तू। क्या मतलब कि भाई तू भी चूतिया है और जिसे देखकर तू ये सब चीजें सीख रहा है वो भी? उर्फी जावेद की ये फैशन डिजाइनिंग देखकर मैं एक बात तो समझ गया यार, चाहे हमारे अंदर कुछ बनने और सीखने के लिए कितना ही पैसा हो, कितनी ही चुल हो, कितनी ही तलब क्यों ना हो, लेकिन दूसरों को देखकर हम सिर्फ जुआ और सट्टे खेलने जैसे बुरी आदतें सीख सकते हैं, कोई स्किल नहीं। बात तो सही है, क्योंकि अब उर्फी जावेद को देख लो, अपनी फैशन डिजाइनिंग की वजह से अपनी बेइज्जती करवा रही है, मतलब इसके अंदर पैसन तो बहुत है। लेकिन बात वही है कि इसने फैशन डिजाइनिंग दूसरों को करते हुए देखा, खुद कुछ नहीं किया उसमें। और बाकी मैं इसकी फैशन डिजाइनिंग की क्या ही तारीफ करूं, नमूने तो तुम लोग भी देख रहे होंगे। जो हाथ इस ठंड के मौसम में इसके जेब में होने चाहिए वो इसके छाते से चिपके पड़े हैं। साले। अरे उर्फी मैडम, आपके इधर आग के नीचे कुछ लगा हुआ है, उसे हाथ से साफ कर दीजिए। समझ रहे हो? प्रेम में तो है रे ऐसी पड़ी मैं। अच्छा, तो इसे कहते हैं फैशन डिजाइनिंग। अगर इसे फैशन डिजाइनिंग कहते ना यार, तो मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि एक दो साल की उम्र में मैं भी बहुत बढ़िया फैशन डिजाइनर बन गया था, क्योंकि तब मैंने बहुत अच्छे चप्पल डिजाइन किए थे। क्योंकि जैसे उर्फी दीदी ने एक बनी बनाई शर्ट को पहनने के बजाय सिर्फ शरीर से चिपका उसे लोगों के सामने एक फैशन के तौर पर प्रेजेंट किया है ना, ठीक वैसे मैंने एक दो साल की उम्र में अपने सीधे पैर की चप्पल को उल्टे पैर में और उल्टे पैर के चप्पल को सीधे पैर में पहन लोगों के सामने चप्पलों की एक नई डिजाइनिंग प्रेजेंट करी थी। प्रेम में तो है रे। वैसे उर्फी मैडम, अगर अपनी इस क्रिएटिव डिजाइनर ड्रेस को पहनकर खेतों में खड़ी हो गई ना, तो दीदी एक फैशन मॉडल कम और पंछियों को भगाने वाला पुतला ज्यादा लगेंगी। नहीं उर्फी दीदी, आपने अपना दिमाग और टाइम खर्च करके ये फैशनेबल ड्रेस तो बना दी, लेकिन भगवान न करे कि कभी आप अपनी ये फैशनेबल ड्रेस पहनकर किसी पार्टी में गई और वहाँ आपसे कोई हाथ मिलाई, तो आप उससे कैसे हाथ मिलाओगी? क्योंकि जैसे आप अपना हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे, आपकी तो नहीं फैशन और यूनिकनेस के चक्कर में हमारी उर्फी दीदी यही भूल गई कि कंफर्ट नाम की वो कोई चीज होती है। जब भी कोई कपड़े खरीदते तो सबसे पहले उसमें यही देखते कि वो उनके लिए कंफर्टेबल है भी या नहीं। ये क्या है? और उर्फी मैडम के ऐसे कपड़ों की वजह से जब लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, उन्हें कुछ बोलते हैं, तो वो भड़क जाती हैं। यार अगर लोग चूतिया तो मैं क्या करूँ यार, ये बताओ मेरे। अच्छा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। रणवीर सिंह जब कुछ पहन के आता है तब मैंने नहीं सुना है तुम लोगों के मुंह से कि आज ढंग के कपड़े पहन के आए हैं। Then why you commenting on a women's dress? क्यों कमेंट कर रहे हो यार किसी लड़की के कपड़ों के ऊपर? हाँ सही बात है, रणवीर सिंह को तो लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, बस उर्फी मैडम की तरह रणवीर सिंह पर मीम्स ही तो बनाए, उसे ट्रोल ही तो किया, उस पर रोस्ट वीडियो ही तो बनाए। और उर्फी मैडम के लिए जो अभी तक लोगों ने नहीं किया, यानी कि कपड़े दान करके बेइज्जती करने वाली चीज, बस वही तो किया। समझ रहे हो उर्फी दीदी, सबसे पहले तो आप ये लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ वैसा होता है, ये बातें करना बंद करो। और ये बात भी जान लो कि आजकल विमेन कार्ड खेलने वाले औरतें सोशल मीडिया पर ज्यादा गालियां खाती हैं, क्योंकि अब लोगों को भी फर्क समझ आ चुका है इमोशनल होने और इमोशनल चूतिया बनने के बीच। ठीक है। नहीं उर्फी मैडम के हिसाब से जो लोग इन्हें कुछ बोलते हैं या फिर इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं वो क्लाउड चेजर है, वो इनका नाम इस्तेमाल करके व्यूज खींचना चाहते हैं। मुझे बोलते हैं दैट आई वांट पब्लिसिटी, आई वांट अटेंशन, दीस आर द सेम पीपल हु आर यूजिंग माय नेम टू गेट पब्लिसिटी एंड अटेंशन। अरे उर्फी मैडम, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी तो वही करती हो ना, नहीं तो आपने डिजाइन करे हुए जिन कपड़ों को पहनकर आप रील्स वीडियो बनाते हो या फिर फोटो शूट करवाती हो, उन्हीं कपड़ों को कोई और मॉडल या फिर आप खुद भी कैमरे के सामने के अलावा और कहीं क्यों नहीं पहनती हो? क्योंकि आपको भी पता कि ये कपड़े आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ऑडियंस ला सकते हैं, या फिर बोला जाए कि ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन आपका ख्याल नहीं रख सकते। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। नियर, मैं ना फैन होने की वजह से अपनी उर्फी मैडम को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि उर्फी मैम, आपने अपनी ऑडियंस चेंज कर दो, आप इंसानों को छोड़कर जानवरों के लिए फैशन डिजाइनिंग करना शुरू कर दो। क्या? मैं क्या बोला तूने?
क्योंकि उसके बाद ना ये जितने भी लोग आपको ट्रोल करते हैं, आपको रोस्ट करते हैं या फिर आपके कपड़ों को अश्लील बोलते हैं, लोग ये सब हरकतें करना बंद कर देंगे। अच्छा, क्योंकि जानवर तो वैसे भी नंगे घूमते रहते हैं, अगर आप उनके लिए कपड़े बनाओगे तो और भी ज्यादा पुण्य का काम होगा। और फिर आप अपनी मर्जी से अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर जानवर को अगर अधनंगा भी रखोगे ना तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और इसमें आपको कोई बेइज्जती फील करने वाली बात भी नहीं है भाई, जानवरों का डॉक्टर भी तो होता ही है ना। अगर आप जानवरों के फैशन डिजाइनर बन जाओगे तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अच्छा, खैर तो चलो यार, फिर फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। और हाँ, एक बात बोलो तो मैं भूल ही गया कि उर्फी मैडम, आपको ऐसे कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए। चले तू। खैर तो चलो यार, फिर फिलहाल अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, शायद किसी ऐसी फेक फेमिनिस्ट के साथ जो कि अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए ऐसे ही विमेन कार्ड का यूज कर रही हूँ। खैर तो चलो यार, फिर टाटा बाय बाय, अपन लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।